इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक का हम चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे दो चर वाले एक घातीय समीकरणों को। देखिए, आपको इतना याद रखना है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात होगी तो आप न पहला समीकरण से x का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में डाल दीजिए और उसको सरल करके y का मान निकाल लीजिए, फिर y का मान किसी भी समीकरण में डालकर x का मान निकाल लीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने जाए, इसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट समीकरण से x का वैल्यू निकालकर सेकेंड समीकरण में पुट कर देना होता है, रख देना होता है। चलिए तो शुरू करते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से आपका समीकरण एक है 3x माइनस 4y बराबर 10, तो आप यहां पर लिखें 3x माइनस 4y बराबर 10। अब हमें x का मान निकालना है तो y वाले पद को बराबर के बाद लेकर चलें। तो लिख सकता हूं मैं 3x बराबर ये 10 अपने जगह पर, माइनस 4y उधर गया तो प्लस 4y। उसके बाद x के साथ 3 गुना में है तो बराबर के बाद बटा के नीचे जाएगा, तो 10 प्लस 4y बटा 3। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए, अब x का जो यह मान आया उसको हम समीकरण 2 में पुट करेंगे यानी रख देंगे। तो आगे लिखता हूँ मैं, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, बस इतना ही सा बात है। तो देखिए, आपका समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 5। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, 4x प्लस 3y बराबर 5। अब x का मान कितना है, 10 प्लस 4y बटे 3। इस मान को इसमें बैठा देना है। चलिए, 4 के बगल में x है, x का मान यहाँ से बैठा दीजिए, तो 4 का 4 यहाँ पर लिखा जाएगा एंड x का वैल्यू है बुआ 10 प्लस 4y बटा के नीचे 3 एंड प्लस ये 3y अपने जगह पर रह गया एंड बराबर के बाद 5। अब इसको सरल करिएगा तो पहले y का वैल्यू आ जाएगा। अब आराम से इसको सरल कर लीजिए, 4 दहाई 40 प्लस 4 चौक 16 y एंड बटा के नीचे जो 3 है वही रहेगा एंड प्लस 3y। 3y के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 का प्रयोग करिए, बराबर के बाद 5। भिन्न का जोड़ बना लेना है तो 3 और 1 का LCM ले लीजिए तो 3 प्राप्त हो जाएगा आपको। 3 एकम 3 तो 40 एकम 40, 16y एकम 16y, ये 16y है। प्लस 1 से 3 कटेगा 3 बार में तो 3 तिहाई 9y बराबर के बाद कितना तो 5। अब 16y में 9y जोड़ दीजिए, y वाले को y वाले के साथ हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 40 का 40 रह गया, प्लस दे दीजिए यहाँ पर 16 और 9, 9 6 15 यानी कि 25 गो वाई। अब बाटा में 3 है तो ये तिरछा गुना में चल जाएगा तो 3 25 कितना 15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 25 वाई अपने जगह पर रहेगा बराबर के बाद 15, अब प्लस 40 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 40। चलिए, अब यहाँ से लिखते हैं 25y बराबर
आ चुका है 15-40, 15-40। देखिए ये रिजल्ट आप लोगों को आ चुका है यहाँ, 25y = 15-40। यहाँ से शुरू करते हैं, तो अब जरा आप घटा लें 15 में से 40। 15 छोटा संख्या है, 40 बड़ा संख्या है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 15 में से जब 40 घटेगा तो आपका माइनस में 25 आ जाएगा, एंड 25 से 25 कटेगा एक बार में बाबू। इस तरह से y का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब इस वैल्यू को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, समीकरण एक में, दो में, या आपकी मर्जी हो तो तीन में, आप कहीं डालिए आपको x का मान मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको समीकरण तीन से ही निकाल कर बता देता हूँ x का वैल्यू। यहाँ पे y का मान दे देना है, x ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण तीन के हेल्प से निकालते हैं x का मान। तो समीकरण तीन से चलते हैं रे बाबू। समीकरण तीन में आपका x बराबर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, 10+4y/3, 10+4y। अब चार के बाद y है तो y का वैल्यू तो आ चुका है -1, तो यहाँ गुना देकर -1 लिख दीजिए, एंड बाटा के नीचे कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब सरल कर दीजिए, 10, 4 में -1 से गुना होगा -4, तो 10-4/3। इस तरह से बुआ आपको प्राप्त होगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6, और बटा में 3, तो 3×6 कट गया। इस तरह से आपको x का वैल्यू निकल गया कितना, 2। अब फाइनली आप लिख दीजिए, इसीलिए x बराबर 2 एंड y बराबर कितना, -1। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए टेस्ट करना सीखते हैं। आपके पास जो समीकरण था 3x-4y, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। अब x और y का जो मान आया है वह इस समीकरण में हम बैठाएंगे, अगर 10 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आंसर सही है। तो 3x-4y का वैल्यू 10 आना चाहिए। देखते हैं 3x-4y का वैल्यू, 3x-4y, तो 3×3 एंड x का वैल्यू 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 डाल दीजिए, -4, एंड y का वैल्यू -1 आया हुआ है तो -1 डाल दीजिए। इस तरह से 3×2 होता है 6, एंड -×- होता है +4, 1×4, एंड 6 में 4 जोड़िएगा बुआ जी तो हो जाएगा 10, एंड आ चुका है 10। देख लीजिए 10 आना चाहिए था, 10 आ गया, मतलब आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्रतिस्थापन विधि से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, ऐसा उम्मीद है। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लास है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।